Because cricket is my passion और विक्की कंधारी ने मुझे इनवाइट किया और बड़ा रोमांचक मैच हो रहा है. खार जिमखाना जो है इज़ अ वेरी आइकॉनिक ग्राउंड. हमारा बचपन यहाँ बीता है और आज यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है. बैंड्रा रॉकस्टार्स भी अच्छा खेल रहे हैं. सैंटा क्रूज सनराइजर्स बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है. और सर कुछ आपकी मेमोरी बचपन की आप क्रिकेट से जुड़े हैं? बहुत सी मेमोरीज हैं. यहाँ तो हम लोग आते थे खेलते थे और मैं अपने स्कूल के लिए भी खेलता था. जब यह बच्चा खेल रहा था बहुत अच्छा. हम लोग तो उस ज़माने में सीजन बॉल से खेलते थे, अभी टेनिस बॉल से खेल रहे हैं. बड़ी अच्छी यादें. आपने अच्छा सवाल किया है. तो ऐसा लगता है कि अभी मैं बॉल पकड़ूँ और सीधा ग्राउंड पर पहुँच जाऊँ और क्रिकेट खेलूँ. और एक बार मैंने 6 for 19 6 विकेट लिया था. मैं ओपनिंग बॉलर था. और अगर म्यूज़िक में नहीं आता तो क्रिकेट में ज़रूर आता था. मुझे बहुत शौक था. सर यहाँ पे जो प्लेयर खेल रहे थे उनको देख के आप बहुत प्रोत्साहन हो रहे थे, आप हाँ, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे? हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये जो हमारा सोसाइटी है इसमें बहुत से टैलेंटेड लोग हैं और यहाँ ना जाने कौन सा नग मिल जाए. आप जानते हैं मैं इंडियन आइडल का जज हूँ, तो हम लोग नग ढूंढते रहते हैं. यहाँ भी कोई अच्छा खेलने वाला बैट्समैन या बॉलर या फील्डर हो तो मज़ा आ जाए. इसी तरह बड़े बड़े क्रिकेटर्स बनते हैं ना. अरमान मलिक का बहुत मजाक उड़ाया गया सोनाक्षी सिन्हा ने, उसके बारे में मैं क्रिकेट की बात करता हूँ. लेकिन आपको नहीं लगता? मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा. सर एक आखिरी सवाल है, जो पाकिस्तान हमारे इंडियन सोच जो बी हेडेड हुए हैं वो भी पॉलिटिकल सवाल है. एट दिस मोमेंट क्रिकेट के बारे में बात करते हैं. सो डोंट टॉक टू मी एनीथिंग बिकॉज मैं सुनकर बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ. वो जो आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ है. वो बहुत दिल को दहलाने वाली और दुखद समाचार है. थैंक यू सो मच.